फिर हमने याया खान आ गया, उसने वन यूनिट तोड़ा, तो फिर हमने इलेक्शन करवाया। लंबी बात नहीं मैं करूँगा, ये सारी किताबें इस ऑपरेशन के बारे में पढ़ी हुई हैं। ये तफजल मानक मियाँ थे उस वक्त, एक बंगाली कौम परस्त थे, बहुत बड़े एक सिर्फ एक साल पहले इलेक्शंस के, उनकी किताब है मशरक़ी मुत्तहिदा पाकिस्तान के 20 साल, उन्होंने एक एक बात का जिक्र किया है कि यहाँ क्या होता रहा और कैसे होता रहा। कि पहला जो 5-year प्लान बना है 1950s के अंदर, उसके अंदर बंगालियों का हिस्सा 22% था। दूसरा जब बना है तो उसके अंदर बंगालियों का हिस्सा 26% था। और तीसरा जब 70 का बना है तो 32% था। फिर उनका अल्लाह हाफिज़, हम इससे ज़्यादा हम आपके साथ रह सकते। इस सारे सिनेरियो के अंदर, हर किताब आपके सामने, मैं आपको बता सकता हूँ, ये शर्मिला बोस की किताब आर्मी पब्लिशिंग हाउस ने छापी कि डेड रैकनिंग के असल मसला क्या हुआ था। इसको रेफरेंस दे के पेश करते हैं कि जनाब हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा है, हमने 1,00,000 नहीं मारे, को 50-60,000 मारे हैं। बार का प्रोपोगंडा है, हमने को 60-70,000 औरतों का रेप नहीं किया, हमने 25-30,000 का किया। ये इस बुनियाद पे इसको ख़ास तौर पे पब्लिश करके चाया जाता है कि इतनी बात नहीं। ये किताब जो है, ये सदीक सालक की मैंने ढाका डूबते हुए देखा, ये बड़ी खौफनाक किताब है। इसके अंदर वो जो रिसेप्शन है उसका तज़किरा है, जनरल नियाजी ने जो दी थी जनरल अरोड़ा को, और जब उसको रिसीव करके लाया था तो रिसेप्शन से आते आते उसको गंदे लतीफ़े सुना रहा था। और जब उसने रिसेप्शन को देखा तो उसने कहा कि तुम सरेंडर करने लगे हो या कोई फलीमा शलीमा करने लगे हो, यहाँ उसको छोड़ दें। सब लोग कहते हैं कि हम अपने, हमारे अंदर बड़ा बड़ा एहतसाब है अपनी जगह। ये एक शख्स हैं, उनका नाम है मेजर जनरल खादम हुसैन राजा। ये GOC थे, मेजर जनरल थे, और इनके होते हुए सबसे पहले साहबजादा याकूब अली खान आए थे। उन्होंने, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने कहा था मैं एक्शन नहीं लेता हूँ। फिर उसके बाद जनरल टिका खान आए थे, उसने ठीक ठाक एक्शन लिया था और उसने कहा था कि मुझे ज़मीन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वो वापस आ गए थे क्योंकि पोस्टिंग ट्रांसफ़र रेगुलर हो रहे, वॉर टाइम था, ऑपरेशन हो रहे थे और रेगुलर, यानी जैसे हम सियाचिन पर जा रहे हैं ना यार, सियाचिन पर इतने ज़्यादा बंदे नहीं आने चाहिए, 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, वो वाली कैफियत थी। उसके अंदर आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने ये किताब लिखी है, और ये किताब टोटल आप हैरान होंगे देख के कि ये तो 78 सफ़े की है, लेकिन कोई एक सफ़ा शायद ऐसा नहीं है कि जो आपको आंसू न रुलाता हो। मैं आपको सिर्फ 70 के इलेक्शन सारा उन्होंने कहा हो क्या रहा था, कैसे हो रहा था, आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने जिस वक्त जनरल नियाजी वहाँ पहुँचा है, उसकी एंट्री जो है मैं आपको दिखाता हूँ। और याकूब खान कंटिन्यू, ये सारा उन्होंने करते करते 25 मार्च का जो ऑपरेशन की सूरत हाल है, क्योंकि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, वो आए और उन्होंने कहा जी कोर ऑफिस की जो मीटिंग बुलाई जाए, पूरे इलाके की लोगों की मीटिंग, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा द लास्ट टू एंटर वॉज नियाजी हु वॉज वेयरिंग ए पिस्टोल होस्टर ऑन हिज वेब, ऑन हिज वेब बेल्ट, ही अनाउंस दैट ही हैड अज्यूम द कमांड विद इमीडिएट इफेक्ट, ही गेव आउट सम रूटीन इंस्ट्रक्शंस फॉर द फ्यूचर इंक्लूडिंग दैट ऑल ऑफिसर्स वर टू वेयर पिस्टल व्हेन इन द यूनिफॉर्म, कि तुम पिस्टल पहन गए। There was a sprinkling of Bengali officers in the gathering. थोड़े थोड़े sprinkling कहते हैं, जैसे आपने किसी चीज़ के ऊपर ना फैर होता है ना, ज़ाफरान लगाया होता है, चंद एक बंगाली ऑफिसर थे उसके अंदर। नियाजी केम अब्यूजिव एंड स्टार्टेड ड्राइविंग ब्रेकिंग इन टू टू, सेड मैं इन हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा, ये मुझे क्या समझते हैं, एंड ही थ्रेटन्ड डैट ही वुड लेट हिज सोल्जर्स loose on their women folk. There was a pin drop silence at these remarks. Officers looked at each other in silence. Then, aback by his vulgarity, the meeting dispersed on the unhappy note with the sullen faces. The next morning, agle din, we were given a sad news. A Bengali officer, Major Mushtaq, who had served under me in Jaisur,
went into the bathroom at the command headquarter and shot himself in the head. इस बंगाली अफसर की मौत पर कोई कमीशन बना? परचम में दफन हुआ है ना निर्णया से। अगर आपके अंदर एहतसाब है तो कम से कम इस बंगाली अफसर का कत्ल, ये कत्ल है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेजर जनरल कह रहा है वहाँ का। फिर अगली जो सूरत हाल है वो और खौफनाक है। इन ए वेरी नॉन चैलेंज, उसने कहा मैं उसका, अब मैं तुम्हें ब्रीफिंग देता हूँ। इन ए वेरी नॉन चैलेंज मैनर ही पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर एंड सेड, यार लड़ाई की फिक्र नहीं करो, वो तो हम जीत लेंगे, कर लेंगे, अभी तुम मुझे बंगाली गर्लफ्रेंड्स के फ़ोन नंबर दे दो। और इस ऑपरेशन के बाद ये मुल्क टूट गया। ये पांचवा ऑपरेशन, और ये कुछ साल सवा साल चला था। उसके बाद अगला ऑपरेशन आता है, अभी हमने सांस भी नहीं लिया था बंगाल टूटने के बाद। ये स्लैग हैरिसन की किताब है, इन द शैडो ऑफ अफगानिस्तान, में तर्जमा उसका लग गया, इसलिए किताब पढ़ सकते। ये कहता यह है कि शाह ईरान ने जिस वक्त ताला मैंगल की गवर्नमेंट बन गई, वजीर आला बन गए, तो शाह ईरान ने पाकिस्तान के भुट्टो को कहा कि मैं तुम्हें अमेरिका का एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ पर बलोच कौम परस्ती शुरू हो गई तो एक दिन तुमसे भी अलीहदगी ले लेंगे और मुझसे भी अलीहदा हो जाएंगे, तो तुम ऑपरेशन शुरू करो। फिर तुम लोग इस्तेमाल हुए, मैं इस्तेमाल हुआ, तुम क्या, मैं भी पंजाबी हूँ। मोची दरवाजे में अकबर बुगटी को एक जलसा करवाने के लिए कहा गया। ना मैं जानता था अकबर बुगटी को, ना मेरा बाप जानता था, मेरे दोस्त हैं, कोई नहीं जानता था अकबर बुगटी को। जो लोग उस जमाने में, आपके जमाने में कौन जानता था अकबर बुगटी क्या चीज़ क्या। उसने आगे कहा कि यह ताला मैंगल और ये गौसफ बसंजो जो साजिश करने, उसने लंदन प्लान, जैसे सब लंदन प्लान होते हैं, लंदन प्लान का ऐलान किया। उस लंदन प्लान की बुनियाद पर उसने कहा कि असला आ रहा है और पाकिस्तान से अलीहदगी की बहुत बड़ी तहरीक चल रही है। सब उसके बाद उन्होंने इराक के सफारतखाने पर छापा मारा और असला बरामद कर लिया, जिस पर इतराज होता इराक की गवर्नमेंट, लेकिन हमने उसकी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी अपना ताला मैंगल की, और अकबर बुगटी को वहाँ पर भेज दिया एज ए गवर्नर, और ये ऑपरेशन शुरू हो गया 74-73 के एंड पर शुरू, 74-6 जुलाई को ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3,500 आर्मी के ऑफिसर और 6,500 बलोच बेचारे जान से गए। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सड़क, कोई पहाड़ ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर मोर्चे ना बने हों, लोग वहाँ से ना गुजरते हों। कोई ट्रेन ऐसी नहीं होती थी जिस ट्रेन के साथ आपका सारे का सारा गनमैन और गार्ड्स ना जाते हों। आपने क्या फ़ायदा किया? हैदराबाद केस चला, जिस तरह इमरान खान की पेशी होती है या फौजी केसी होती है, हैदराबाद जेल के अंदर जाके अदालत लगती थी, ना उनसे को मिलने देता था, वही अदालत के अंदर वली खान, बसंजो, गद्दार वतन हबीब जालब, और एक बेचारा वो लव लहा के शहीदों में दाखिल हुआ था लाहौर का, और उसके बाद ताला मैंगन सब 6 जुलाई को आपने कहा आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, और आम माफ़ी के बाद वहाँ रावी ने चैन लिखना शुरू किया और कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप सोच नहीं सकते कि मैं उस जमाने में वहीं आया गया था बलोच एन ऑपरेशन के ठीक 6 जुलाई 1977 से लेके 2006 तक अकबर बुगटी के जहाँ भाग होने तक बलूचिस्तान से ज़्यादा पीसफुल इलाका ना अफगानिस्तान था, ना ईरान था, ना पंजाब था, ना सिंध था, ना बलूचिस्तान था, ना कोई और था। बलूचिस्तान में हम 500-500 किलोमीटर से बगैर गनमैन के घूमते थे, यहाँ से लोग जाते थे, ज़ियारत में रहते थे, ज़िंदगी गुजारते थे, बुलान की नदी के ऊपर सर्दियों में लोग जाया करते थे, पंजाबी फैमिली, सिंधी फैमिली, सरायकियों का तो ठिकाना ही वही था।